चीन जल्द ही अपना दूसरा स्टेल्थ प्लेन लॉन्च करने जा रहा है। चीन इसे अपने टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करेगा। इस खबर से अमेरिका में टेंशन है। ताइवान पर शिकंजा कसते जा रहे चीन ने समंदर में अमेरिका से दो दो हाथ करने की तैयारी तेज कर दी है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को एक के बाद एक घातक फाइटर प्लेन से लैस कर रहा है और इस दिशा में उठाया गया उसका हर कदम अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। चीन ने पहली बार अपने स्टेल्थ फाइटर शेनयांग J-35 की झलक दिखाई है। दावा किया जा रहा है कि चीन इसे अपने टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन का टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर और शेनयांग J-35 फाइटर प्लेन एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जो अमेरिका को भी थर्रा सकता है। साउथ चाइना सी में चीन की नकेल कसने के लिए अमेरिका के लिए ताइवान जरूरी है और चीन को पता है कि अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका इस मसले को किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंग में जरूर उतरेगा और रूस और यूक्रेन की लड़ाई से सबक सीख रहा चीन जानता है कि जंग एक बार शुरू हुई तो लंबे समय तक चल सकती है। चीन अब उसी लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और इस बात की तस्दीक अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी कर चुकी है। और वहीं चीन को जवाब देने के लिए ताइवान की जबरदस्त तैयारी है। वार्षिक वॉर ड्रिल शुरू होने से पहले ही एक्शन में है सेना। ताइवानी आर्मी ने शुरू की है वॉर ड्रिल की प्रैक्टिस। 25 जुलाई से पूरे ताइवान में होगी वॉर एक्सरसाइज। ताइवान के सभी शहरों में होगी हान कुआंग नाम की वॉर ड्रिल। ताइवान के हवाई क्षेत्र में बार बार घुसपैठ और ताइवान के खिलाफ जंग करने की धमकी से तंग आकर अब ताइवान भी एक्शन मोड में आ गया है। ताइवान ने जंग की जो तैयारी शुरू की है वो ताइवान के शहर शहर होगी। इस वॉर ड्रिल में आम लोग भी शामिल होंगे। अपने सालाना वॉर ड्रिल के जरिए ताइवान अपनी ताकत भी आंकना चाहता है और चीन को बताना चाहता है कि वो ना तो डरने वाला है और ना सरेंडर करने वाला है। अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही इस वॉर ड्रिल में 25 जुलाई से पूरे ताइवान में युद्ध जैसा माहौल होगा। 25 से 28 जुलाई तक ताइवान के शहरों में वॉर ड्रिल होगी। वानन डिफेंस ड्रिल में ताइवान की आर्मी ताकत दिखाएगी। ताइवान की सेना आधुनिक हथियारों से वॉर ड्रिल करेगी। चीन के हवाई हमले से निपटने के लिए फुल प्रूफ तैयारी। इस दौरान नागरिकों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आपात स्थिति में लोगों को शेल्टर में भेजने का अभ्यास होगा। ड्रिल का मकसद आपात स्थिति में लोगों को जागरूक करना होगा। ताइवान 1984 से हांगकांग ड्रिल करता आ रहा है, जिसका मतलब खोया हुआ क्षेत्र हासिल करना है। और वहीं चीन अमेरिका टेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर, नैंसी पेलोसी के प्रस्तावित ताइवान दौरे पर सनसनीखेज खुलासा। अमेरिकी सेना को पेलोसी की सुरक्षा को लेकर डर है, पेलोसी के विमान को मार गिरा सकता है चीन। खुद नैंसी पेलोसी ने अमेरिकी सेना के डर का खुलासा किया है। वैसे तो अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कह चुके हैं कि नैंसी का ताइवान जाना सही आइडिया नहीं है, लेकिन चीन की चेतावनी के बाद अब नैंसी पर संभावित हमले की आशंका भी जताई जाने लगी है। खुद नैंसी पेलोसी ने अमेरिकी सेना के इस डर का खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर नैंसी पेलोसी ताइवान दौरे पर गईं, तो चीन उनके विमान को टारगेट कर सकता है। दरअसल यूएस हाउस की स्पीकर ने अपने अगले महीने के ताइवान दौरे को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। नैंसी पेलोसी के मुताबिक अमेरिकी फोर्स उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिकी सेना को लगता है कि ताइवान की हवाई सीमा में उनके विमान पर हमला हो सकता है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा था कि सेना पेलोसी के ताइवान दौरे के पक्ष में नहीं है। नैंसी पेलोसी ने सुरक्षा कारणों से अपने ताइवान दौरे की डिटेल जानकारी देने से मना कर दिया। चीन नैंसी के दौरे को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। कांग्रेस स्पीकर पर बढ़ते इस खतरे के बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नैंसी का ताइवान दौरा रद्द हो सकता है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।